नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ भोजपुरी एक्टर का मेगा रोड शो सपा के गढ़ आजमगढ़ में घुसकर बीजेपी की जो मेगा शो हुआ है जिसमें लगा है जनसैलाब। इस जनसैलाब को देखकर सपा को डर सताने लगा है, क्या आजमगढ़ में भी सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। गाजीपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर के पास जियापुर गाँव से निरहुआ का रोड शो शुरू हुआ। आगे बढ़ते बढ़ते मेहनासपुर गाँव तक भीड़ बढ़ती ही गई। आपको बता दें कि इस मेगा शो में 40 किलोमीटर का जो मेगा शो था इसे पार करने में 10 घंटे का समय लगा है, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ी हुई थी। जनता काफी समर्थन कर रही है निरहुआ दिनेश लाल यादव को, जिसके बाद सपा को डर सताने लग गया है। पूरे आजमगढ़ में निरहुआ निरहुआ के नारे लग रहे थे, जिसे देखकर अखिलेश यादव को डर सताने लग गया है, क्या सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इस मेगा शो की बात करें तो इसमें 40 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के लिए 10 घंटे का समय लगा। गाजीपुर जिले से आजमगढ़ में प्रवेश करके जिला मुख्यालय तक सिर्फ 40 किलोमीटर का ही सफर था। पर भीड़ को देखकर भी पुलिस के पसीने छूट गए। इस भीड़ को देखकर अखिलेश यादव को डर सताने लग गया है कि उनकी जो सपा बसपा का गठबंधन है उसका क्या हाल होने वाला है, क्या उनका खाता भी खुलेगा। क्योंकि बोल सकते हैं निरहुआ ने इस बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दिया, जिसमें एक छोटी पटकथा है, क्योंकि नामांकन भरने गए थे जिसमें उन्होंने 10 घंटे का रोड शो किया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के पहले चरण के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आखिरी दिन है प्रचार करने का, जिसमें प्रियंका वाड्रा के रोड शो में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। प्रियंका वाड्रा हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि अपने भाई को वो प्रधानमंत्री बना पाए, जिसमें वो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को भी प्रचार के लिए उतार लिया गया है, लेकिन उनकी सारी रणनीतियां विफल होती दिखाई दे रही हैं। प्रियंका वाड्रा हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उनके रोड शो में मोदी मोदी के नारे लगते हैं, जिसके बाद प्रियंका वाड्रा मोदी समर्थकों पर फूल फेंक के कहती हैं कि और लगाओ। इससे साफ हो गया है कि प्रियंका वाड्रा भी जान गई है कि उनके भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, जिसके बाद वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने लगी हैं। ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये रोड शो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ है, जिसके बाद प्रियंका वाड्रा लगातार अपनी रणनीतियां बदल रही हैं। प्रियंका वाड्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो वो पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में गई थी वहां भी उनके रोड शो और उनकी रैली में मोदी मोदी के नारे लगे थे। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मोदी की लगातार लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि कांग्रेस को कोई रणनीति नहीं सूझ रही है कि वो कैसे अपनी सत्ता पाने के लिए कैसे अपनी सत्ता बचाए और कैसे सत्ता में आए। आपको बता दें कि इससे पहले पुणे में राहुल गांधी युवाओं से बातचीत कर रहे थे, जिसमें मोदी मोदी होने लगा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्यार है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, जिसके बाद नारे लगने लगे मोदी मोदी, और राहुल गांधी ने बोला अच्छा ठीक है। आप देख सकते हैं कि खुद कांग्रेस पार्टी जानती है कि प्रधानमंत्री का वर्चस्व नरेंद्र मोदी का कितना बढ़ता जा रहा है। हर जगह जहां भी वह जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं, और उसके बाद जो बोल सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जो कांग्रेस महासचिव है वो भी मोदी के नारों पे कहती है और लगाओ। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि उसका अस्तित्व बचा नहीं है, जो उनके दादी पापा और उनकी जो राजनीति चल रही थी वो पूरी तरीके से विफल हो रही है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करी गई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को रिलीज इलेक्शन से पहले ना किया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ता उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूरी कांग्रेस को डर है, कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो नेता हैं वो वकील तौर पे पहुंच के दलीलें देते हैं कि इस बायोपिक को रोक दिया जाए, यह आचार संहिता का उल्लंघन करती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाई है और उससे पूछा कि आपको कैसे पता कि ये आचार संहिता का उल्लंघन करेगी। फिल्म देखने से पहले ये कहना कैसे मुमकिन है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को, और उसके बाद कहा है कि अगर ये मूवी उल्लंघन करेगी या करती है तो इसको देखना इलेक्शन कमीशन का काम होगा। कांग्रेस की हर मुमकिन कोशिश नरेंद्र मोदी की बायोपिक को लेकर नाकाम होती है। कांग्रेस को डर है कि पहले ही मोदी मोदी जहां भी वो रैली में जाते हैं, जहां भी वो रोड शो करते हैं, वहां मोदी मोदी होता है।
तो कांग्रेस को डर सताने लग गया, क्या उसका खाता भी नहीं खुलेगा? पहले चरण के मतदान से पहले ही सपा बसपा को बड़ा झटका लगा है। नरेंद्र भाटी के छोटे भाई विजेंद्र भाटी ने सपा छोड़ बीजेपी का दामन थामा। तो आपने जाना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उथल पुथल मची हुई है। उत्तर प्रदेश में बार बार फेर पलट हो रहे हैं। सपा बसपा को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। अब देखना अहम होगा कि 23 मई को जनादेश क्या आता है। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। मोदी जी ने अच्छा काम किया, जब से वो आए तब से हमारे देश की तरक्की हुई। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ एक वो बैंक का खाता खुलवाने के लिए जल्दी नहीं खुलता था, लेकिन हमारे मोदी जी ने अच्छा खुलवाया और जनधन का खुलवाया तो अच्छा ही किया, नहीं खाता नहीं खुलता था। और हमारे समझ से इतनी उम्र हो गई, मोदी जी ने अच्छा ही किया, ऐसी बात नहीं है। हिंदू धर्म की और अपने जवानों की भी कितना बड़ा काम किया उन्होंने, और देश को भी अच्छा ही कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं और आने वाले युग में अच्छा ही करेंगे वो। बस धन्यवाद। ये राहुल गांधी जो है अभी 60-50 साल के होने जा रहे हैं, वो हर मंच से उनको गलियाते रहते हैं, प्रधानमंत्री को बोलते हैं चौकीदार चोर है, और वो कहते हैं कि इस 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि क्या ये सच कह रहे हैं? नहीं नहीं, 5 सालों में हमारे मोदी जी ने अच्छा काम किया। अच्छा, कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी अपनी जगह है, क्योंकि कहा है कि बहुत से हुए वीर दुनिया में पैदा, बहुत से हुए वीर दुनिया में पैदा, मगर सबका सम्मान अपनी जगह है। और खुद ही देखो, रच करके सृष्टि ये सारी, स्वयं विष्णु भगवान अपनी जगह है। जैसा जो कर्म किया है, कर्म के हिसाब से उसको फल, ईश्वर ही फल देने वाले हैं। क्योंकि ईश्वर कहाँ है, बोलते ईश्वर, तो बोले कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, ये स्वर ही ईश्वर है। और स्वर कुछ अच्छा कर्म किया था, कहाँ वो चाय बेच रहे थे, कोई उम्मीद कर सकता है? लेकिन उनकी लगन थी, उनकी मेहनत थी कि हमें इस पथ पर चलना है, तो भगवान ने, ईश्वर ने उनकी सुना और आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें किसी को जलन, लेकिन काम मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने 75% अच्छा ही काम किया है। नहीं, देखिए हमारा वो जो है सिटीजन भी हमको मिलता है, ऐसी हर सुविधा मिलती, कहीं जाओ तो बस में वृद्धावस्था की सीट मिलती है, क्या समझे? तो मोदी जी ने अच्छा ही किया है। और जो जिसको वो ईश्वर चाहेगा वही इसका राजभाग संभालेगा। घोटाला तो हर सरकार करती है, क्योंकि कहा है ये नोट सबसे बड़े हैं, तुलसी जग में दो बड़े एक रुपया एक राम, तुलसी जग में दो बड़े एक रुपया एक राम, और राम नाम से मोक्ष है, रुपया से सब काम, सियावर रामचंद्र की जय। जो भी जाता है अपनी जेब ही भरता है भैया, मैंने तो ये देखा है। और सभी रिश्वत लेते हैं, सब मतलब बिके हुए हैं, कोई काम नहीं करता है। लेकिन मैंने मोदी जी के राज में देखा, शासन सख्त है, जो काम आपका नहीं हो रहा वो काम जल्दी हो जाता है। अफसर भी रिश्वत लेने से डरता है कि कहीं कोई भेदी ना हो। तो हमारे हिसाब से मोदी जी ने अच्छा काम किया। और घोटाला तो हर कोई करता है भैया, अब कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, चोर सभी हैं, लेकिन कोई कम है कोई ज़्यादा है। बस मैं तो ये कहूँगा, मोदी जी के बारे में क्या कहोगे, क्या सरकार ठीक ठाक से? हाँ, मोदी जी के बारे में अच्छी है सरकार, भाजपा है। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बलरामपुर से पहला इलेक्शन लड़े थे, तब था जनसंघ, उस समय मेरी उम्र छोटी थी, तब अटल जी पहला इलेक्शन बलरामपुर से जीते थे, और उन्होंने उसी के याद में ग्वालियर और बलरामपुर एक्सप्रेस चला दिया, जिसका नाम है सुसानर एक्सप्रेस। और उसी से मैं आज आया हूँ, अच्छी ट्रेन है, तो ये अटल जी की देन है कि उन्होंने चला दिया। हम सोचते थे कि कभी कोई ऐसी ट्रेन चल जाए जो हमारे बलरामपुर से चल के दिल्ली तक हो, तो ये ईश्वर ने वो प्रेरणा आज दे दिया। तो मैं तो कहता हूँ भैया सही है, और अपनी अपनी जिसको वो ईश्वर चाहेगा वही राजा बनेगा, चाहे इसमें मैं हूँ चाहे कोई भी है, जोर लगा ले, अरे जमाने कितना जोर लगाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। तो ईश्वर जिसको चाह लेगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो मतलब ये हमारी जो है मोदी जी हो, जिसको राम जी चाहेंगे, क्योंकि राम जी का उनका ईश्वर हर जग में व्यापक है, स्वर ही ईश्वर है, लिखा हुआ है कि बिन पग चले, वो ईश्वर क्या है,
तो बोले बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधनाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी आनंद रही सगो ईश्वर जिसको चाहेगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ मैं उत्तर। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इनका कभी जो है मतभेद रहता था बहुत ज्यादा, आज आप एक ही मंच से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, ये सरकार है और ये गठबंधन जो है कर लेते हैं आपस में, लेकिन मैंने फिर कहा इसमें कुछ भी का है, जिसको वो ईश्वर चाहेगा, जो ईश्वर की भक्ति कर रहा होगा उसी को ये राज मिलेगा, राम जी ही उसी को राजा बनाएंगे बस। धन्यवाद। विकास से। हाँ जय श्री राम। आप वोट डालने जा रहे हो आप क्या गाकर? मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तो भाजपा को शुरू से दिया है और शुरू से दूंगा, क्योंकि कमल का फूल हमारे अंदर खिल रहा है तभी ये चल रहा है, और जिस दिन कमल फूल मुरझा गया उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आपका